जय हिंद दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार एक नशा मुक्त राज्य बने, दूसरे तरफ खगड़िया के स्टेशन रोड में मंदिर के पुजारी ने अपनी सारे हदें पार कर गया। देखिए इस वीडियो में क्या मामला है। देखिए शराबबंदी वाले खगड़िया में एक पंडित जी शराब के नशे में, अभी क्या नाम है पंडित जी, कितना को पिए ईमानदारी से बता दीजिए। अरे मुंह से बदबू आ रहा है आपका, पुड़िया खाने से सर, पुड़िया वाला स्मेल नहीं है पंडित जी। नाम बताइए, नाम बताइए पंडित जी, कहाँ से मिला ये शराब, कहाँ से मिल गया ये? जजमान ला के दिया तो दक्षिणा में आप शराब लेने लगे हैं। देखिए हमारी मौजूदगी इस वक्त खगड़िया के स्टेशन रोड में है, और स्टेशन के बाजू में जो ये मंदिर है, यहाँ के पुजारी अभी शराब के नशे में मिले हैं। अतिक्रमण का जो है ड्राइव चलाया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा, और इसी मंदिर के आड़ में किस तरीके से व्यवसायी चरम सीमा पर है, इसके अलावा असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है, इन बातों में कोई कहने में गुरेज नहीं है। हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर जो है 50 ग्राम में मंदिर है, और उसके बाद पूरा जो है ये व्यवसायीकरण है। हर रूम में जो गोदाम भाड़े पर लगाया गया है, और ये सब पैसे का सिर्फ जो है एक वसूली का एक जरिया बना पड़ा है। चलो भाई खाली ले जाना, कौन सी है जो रहेगा अतिक्रमण है ना, जो घर के लेके जाओ दूसरा गाड़ी में आइए। देखिए इस मंदिर में जो भी सामान जो है अवैध रूप से रखे हुए थे, उन तमाम सामानों को जिला प्रशासन ने सीज कर लिया है, और ये ट्रैक्टर में लोड किए जा रहे हैं, और एक बड़ी कार्रवाई है कि जिस तरीके से मन बड़ा हुआ था। और ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ अनुमंडल पदाधिकारी है, जो कि एकदम पूरा सख्ती से पेश आ रहा है। और इसके अलावा जो पंडित जी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, दारू के नशे में थे, दारू पिया हुआ था। बताइए शराबबंदी वाले खगड़िया में पंडित जी को शराब मिला, और वो भी दक्षिणा में, पर जो कहना है कि जजमान के द्वारा जो है इन्हें शराब दी गई। पंडित जी जजमान दिया था शराब, कौन जजमान दिया था? हाँ कोई तनी को दिया था, मार लिए ठीक। देखिए अब ये पंडित जी जो है पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ली है, गिरफ्तार करके जो है इन्हें थाने में जा रही है, कार्रवाई अब जो है तय है। चलो चलो चलो। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के आड़ में जो है कई ऐसे अवैध कारोबार किए जाते हैं, यहाँ पर अवैध गोदाम रखा गया है। देखिए किस तरीके से ये रूम बंद पड़ा है, व्यवसायीकरण है पूरा। अब इस रूम में क्या सब है कहना मुश्किल है। देखिए ये भोला बाबा का मंदिर है ना, भोला बाबा को एगो फूल नसीब है, ना ही अगरबत्ती भोला बाबा का नसीब है, लेकिन भोला बाबा के आड़ में ये पूरा व्यवसायीकरण हो रहा है, कारोबार हो रहा है पूरा अवैध।